ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। मामला तब शुरू हुआ था जब पूजा शुरू होने से पहले पक्ष ने दावा किया था कि नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में पूजा पाठ को उस वक्त की प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था, जिसको शुरू करने का फिर से अधिकार दिया जाए। वही पूजा रोकने वाले पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने पूजा रोकने वाले पक्ष की याचिका को अस्वीकार करते हुए ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार दे दिया। अब ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा को जारी रखने का आदेश दिया है। अदालत ने ज्ञानवापी व्यास के तहखाने में पूजा करने के अधिकार को बरकरार रखा है। बता दें कि पूजा बहाल करने का आदेश वाराणसी जिला अदालत ने लिया था। इससे पहले वाराणसी जिला अदालत ने भी इस मामले में पूजा पाठ के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ ही पूजा रोकने वाले पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था। हालांकि यहां से भी उस पक्ष को निराशा ही हाथ लगी और हाई कोर्ट ने तहखाने में पूजा का अधिकार सुरक्षित रखा। हालांकि पूजा रोकने वाले पक्ष के पास अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। अंजुमन इंजामिया कमेटी की तरफ से वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूजा पर स्टे लगाने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि पूजा रोकने वाले पक्ष का दावा था कि डीएम को वाराणसी कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त किया है, जो पहले से काशी विश्वनाथ मंदिर के सदस्य है, इसलिए उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। पहले ही हो गया था, आज इसमें डिलीवरी ऑफ जजमेंट के लिए था। रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने ऑपरेटिव पोर्शन ऑर्डर का पढ़ा है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम साइड की तथ्यों को, जो कि उन्होंने अपने फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन में जो भी उन्होंने लिया था, और जो आदेश डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ उन्होंने जो दाखिल की, उसको बलहीन पाते हुए उसको खारिज कर दिया है। और ये कहा है कि जो ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट जज का वो सही था, वहां जो पूजा हो रही है एज इट इज होती रहेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जो डीएम को किया है वो सही है, वो गलत नहीं है। जनवरी और 31 जनवरी का जो आदेश है वो एज इट इज रहेगा, वो उस आदेश के खिलाफ है, वो दोनों आदेश एज इट इज रहेंगे।